हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस आज मैं आप लोग को बी जी एम आई टू पॉइंट फाइव की सेंसिटिविटी बताने वाला हूं फॉर आई क्यू न्यू सिक्स एंड आई क्यू नियो सेवन बी जी एम आई जो है गाइस काफ़ी दिनों से बैंड था और फाइनली यहां पर अनबैंड हो चुका है और टू पॉइंट फाइव के साथ में यहाँ पर आ चुका है तो सेनिब्रिटी काफ़ी नई है तो पुराने वाली अब बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी काफ़ी ज़्यादा कुछ बहुत कुछ चेंजेस किया गया यहाँ पर तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट भी कर रहे थे भाई की सेनिब्रिटी बता दो तो फाइनली आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आई क्यू न्यूज़ सिक्स एन आई क्यू न्यूज सेवन के लिए गाइज मेरे पास डिवाइस नहीं मिल पा रहा था इसके वीडियो थोड़ी लेट हो गई बट कोई बात नहीं गाइस यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं आप फटाफट से दबा के लाइक किया करो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई के लिए ठोको एक लाइक यार यहाँ पर देखो 2.5 के रेड के वास्ते की सेंसिविटी यहाँ पर देखो एडवांस कंट्रोल पर जाओगे तो मैं यहाँ पर ज़ायरोस्कोप ऑलवेज ऑन रखा हूँ ग्राफिक्स रखा हूँ स्मूथ पे एक्सट्रीम का और यहाँ पर अगर ऑडियो वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर अल्ट्रा ऑडियो का ऑप्शन देखने को रखा हूँ ग्राफिक्स मैंने एच पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि एच पे करेंगे तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा पिंग चूज देखने को मिल सकती है इसलिए यहाँ पर आप देख लो अटैचमेंट मैंने क्या क्या रखा हुआ है अब चलो यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ क्लोज कॉम्वाट से क्योंकि यहाँ पर क्लोज कॉम्वाट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लोग सिर्फ जीरो रिकॉल की तरफ भागते हैं जिसकी वजह से उनकी गेमिंग कभी इंप्रूव नहीं हो पाती है इसलिए यहाँ पर क्लोज कॉम्वाट में फास्ट जिगल विगल इस तरीके से आपको करने के लिए सबसे पहले आपको तो यहाँ पर एम बोट में जो आप फायरिंग करते हो आप ट्राई करें कि जो एम की एक्यूरेसी है वो मेंटेन करें एम की एक्यूरेसी बेटर होनी चाहिए आप कितना भी फास्ट जिगल कर लो अगर आपकी एम की एक्यूरेसी बेटर नहीं है तो आप कोई भी अच्छा एमिंग नहीं कर पाओगे ओके okay? तो इस तरीके से जो आपका एम है वो एम बोर्ड के बाहर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए ओके okay? तो आप यहाँ पर पहले ट्राई करो कि जो मेरा एमिंग है वो अच्छी हो उसके बाद धीरे धीरे जो है जिग्गर को फास्ट करने का ट्राई किया करो देन आपको यहाँ पर जब प्रोन होकर स्प्रे करते हो तो ट्राई किया करें कि जो आपका एम है वो एम बोर्ड से बाहर ना जाए कभी भी आप पुरोण हो के बंदे को स्प्रे करते हो या अचानक से बंदे के सामने में अगर आप प्रोन होते हो तो जो आपका एम है वो बंदे के हेड पर ही होना चाहिए एम जो है आप कहीं और नहीं जाना चाहिए बहुत लोग मैंने देखा है गलती तो करते हैं हेड शॉर्ट नहीं मार पाते हैं क्या गलती करते हैं प्रोन तो हो जाते हैं बट उसका एम जो है कहीं और भाग जाता है फिर क्या होते हैं वो बंदे को डाउन करने के जगह खुद ही डाउन हो जाते हैं तो इस तरीके से मूविंग फायरिंग भी कर सकते हो और ट्राई क्या करें इस तरीके से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हेड शॉट कनेक्ट कर पाओ ताकि सामने वाला एनिमी आपसे पहले डाउन हो जाए आप रेड डॉट को यहाँ पर देख लो ये तो क्लोज़ कमांड में ठीक ही होता है लेकिन गलती क्या करते हैं क्लोज़ कमांड में स्कोप लॉक हो जाता है यहाँ पर अगर आपके सामने तीन चार बंदे अगर लोकेशन पर अलग अलग लोकेशन खड़े हुए हैं तो उसको डाउन कैसे करना है या फिर कोई बंदा भाग रहा है तो उसको इस तरीके से जो है आप इजी तरीके से डाउन कर सकते हो स्कोप का जो मूविंग फायरिंग है वो होना चाहिए स्कोप लॉक नहीं होना चाहिए और जब हम यहाँ पर हम लोग क्लोज कॉमार्ट में स्प्रे करते हैं तो यहाँ पर स्टेबिलिटी अच्छी मिलनी चाहिए ताकि आपका जो रिकॉयल वो काफ़ी कम हो इस तरीके से देखो मूविंग फायरिंग आराम से कर सकते हो आप एक ही स्प्रे में तीन चार बंदे को डाउन कर सकते हो तो इसके लिए आपकी स्टेनिबिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए स्कोप जो है आपका स्टक नहीं करना चाहिए अब देखो क्लोज कॉम के अलावा मैं यहाँ पर मिड रेंज भी स्प्रे कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा जा रहा है कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और गाइज यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा सेंसिविटी डिवाइस के साथ साथ हैंड के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपके सेंसिविटी कौन सी हैंड पे खेलते हो आप फोर फिंगर थ्री फिंगर टू फिंगर खेलते हो ये आपके ऊपर मैटर करता है सेंसिविटी कितना भी अच्छा हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो सेंसिविटी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी अब देखो ये सेंसिविटी मेरे हैंड के लिए अच्छी है लेकिन अगर आप यूज़ करोगे आपको आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी क्यों दिक्कतें आएंगी क्योंकि जो आपकी पुरानी सेंसिटी थी वो काफ़ी ख़राब थी लेकिन उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस करके आपको हैबिट बन चुकी थी तो उसको यहाँ पर अभी चेंज करने के लिए आप नए वाली पेश करोगे यहाँ पर तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी बट आपको रखना पड़ेगा पेशेंस ट्रेनिंग मोड में आकर के आप तीन चार दिन प्रैक्टिस करो टी खेलो अगर आप आ, क्लासिक नहीं खेलना चाहते हो तो क्लासिक तो इसके लिए यहाँ पर आपका एरेंगल वगैरह मत खेलो ताकि आपका जो टायर रेटिंग है वो कम हो जाएगा तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो उसके बाद सेंटिसबिटी के ऊपर जब कमांड हो जाएगा ना फिर आप देखना गर्दा वाला सैन्यबिटी आपके होने वाले ओके अब यहाँ पर सेटिंग में चलते हैं थोड़ा रिकॉल देखने को मिल रहा था गाइज इसके लिए क्या करूंगा जायरोस्कोप एडियस वाला को थोड़ा सा यहाँ पर कम करूंगा अगर वाइब्रेशन ज्यादा हो तो आप एडियस को कम कर दें अगर आपका रिकॉइल ज्यादा हो यानी स्कोप को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आप एडियस को थोड़ा बढ़ा दें लोगों की गलती क्या होती है स्कोप उनका ऊपर की तरफ भागने लगता है लेकिन यहाँ पर आप देखोगे अगर आप सही सी एडियस को स्क्रीन वाला एडियस और जैरो वाला एडियस को अच्छे से अगर आप मिला लेते हो तो आपका स्कोप जो ऊपर ऊपर की तरफ नहीं भागेगा अब यहाँ पर देखो जो लोग नॉन जैरो खेलते हैं उसको स्प्रे करते हुए यानी वायल स्प्रे आपको जो आपका जो कैमरा है ना उसको अपने थम से नीचे की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा जो लोग जैरो पे खेलते हैं उसको तो जैरो के हेल्प से ही आराम से यहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन अब यहाँ पर देखो जब हम लोग 400 मीटर स्प्रे करते हैं तो इसको ऊपर की तरफ भागता है सेंसिविटी उसको मिलाने के बाद आपका जो कैमरा होता है ना उसको अच्छे से आपको हैंड से नीचे की तरफ ड्राइक करना पड़ेगा अब यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत माइनर रिकॉल देखने को मिल रहा है क्योंकि ये सेंसिविटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हंड्रेड रियल है कोई भी कन्फिकल फॉर्म मैं कभी यूज नहीं करता ना किसी को मैं रिकमेंड करता हूँ ना सजेस्ट करता हूँ ओके तो अगर रियल सेंसिविटी अगर आप मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत माइनर रिकॉल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा अगर कोई दिखा रहा है कि सेंसिविटी हंड्रेड जीरो रिकॉल तो समझ लो गाइज वो आपके साथ चीट कर रहा है समझे कन्फिगर फाइल वाली आप लोग को बहुत लोग दिखाते हैं बट आप लोग उसकी वाली कोड को पेस्ट करते हो तो सैन्य आपके आपकी कंट्रोल नहीं होती है क्योंकि वो सैन्य आपको रियल होती ही नहीं है आप सभी जानते हो कि मैं काफी दिनों से हर बार जब भी नया अपडेट आता है सेंसिटिविटी लेके आता हूं हर डिवाइस के लिए इसके लिए आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो एक हार्ड वर्क के लिए और आपके लिए भी एक फायदा होगा अगर आप बेलाइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नौटिक, नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए अभी देखो लॉन्ग स्प्रे यहां पर करते हैं फोर मीटर प्लस पे देखो कितना अच्छा यहाँ पर एम स्प्रे जा रहा है कोई दिक्कत यहां पर नहीं है गाइस चार मीटर पर बंदे भी ढंग से आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं ओके मैं फिर भी आपको इतना अच्छा स्टेबिलिटी करके निकाल के दे रहा हूँ एम की एक काफी अच्छी मेंटेन

जारो वाला भी कैमरा अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो एंड जो एडियस है उसको यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आप सेट कर लो अगर मन में गुडा का सवाल इंस्टाग्राम पर डीएम करना लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर मैं कोड दे देता हूँ अगर कोड आपका हो जाए एक्सपायर तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो तो चलो गाइज वीडियो को लाइक करो दबा करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना इंस्टाग्राम पर आप बातें करते हैं डीएम करो फॉलो करो थैंक यू सो मच गाइज